नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित मनीष आचार्य आज आपको बताऊंगा बहुत ही आसान सा और सरल सा उपाय। यह उपाय करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके प्यार को दूर कर दे या आपका प्यार दूर चला जाए। जितना मर्जी दूर गया हुआ हो, अगर यह उपाय अगर एक छोटा सा कर लिया तो ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा, दुनिया की जो खुशी है वो वापस मिल जाएगी। तो इसी के लिए मैं लेके आया हूँ एक लड़कियों के लिए खास और सरल एक आसान सा उपाय। तो उसके लिए अपने को कोई ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा वक्त अगर आपने सही तरीके से निकाल लिया, अगर उसका यूज टाइम का अगर सही तरीके से कर लिया, अगर जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उसको अगर सही विधि से अगर कर लिया तो आपका प्यार है वो तुरंत आपके पास आएगा। और आपका प्यार ऐसा आएगा कि आपका प्यार कभी भी आपसे दूर है वो नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि मैं लेके आया हूँ एक छोटा सा उपाय, सिर्फ एक मंत्र। उस मंत्र की सिद्धि अगर सही विधि से अगर मंत्र को आपने कर लिया सिद्ध तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी है वो सरक बन सकती है, आपका प्यार है, आपकी ज़िंदगी की खुशी है वो आपको मिल सकती है। तो आपने क्या करना है, एक काले रंग का पेन आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे टंगा हुआ है क्योंकि मैं पानी के अंदर हूँ और ये सिद्धि पानी के अंदर ही होगी। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपका नहीं तो किसी और की ज़िंदगी सुरक्षित बन सकती है, उसको उसका प्यार है वो मिल सकता है, वो भी आपको दुआएं देंगे, बददुआ नहीं देंगे अगर उसका प्यार उसे मिल गया तो। रास्ता है वो क्या है कि भगवान है दिखाने वाला। बाकी लोग कहते हैं कई बार कि ये वशीकरण होता है क्या, बिल्कुल वशीकरण होता है। भगवान ने जिस चीज़ का भी नाम दिया है वो चीज़ होती है, पर उस चीज़ को करने वाला चाहिए और करवाने वाला चाहिए। काम मैं भी करता हूँ, उसके पैसे लेता हूँ और वो भी मैं पहले लेता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि आपने तो बताया नहीं जी पैसे लगते हैं, नहीं बिल्कुल पैसे लगते हैं। कोई भी काम है ऐसे कि अगर फ्री में करने लग जाएँ तो हमारे बच्चे कौन पालेगा। हम भी पैसे लगते हैं, पूजा पाठ के नाम से सिर्फ नहीं लेते हैं, खुशी से जो देता है इनाम उन्हीं से हम लेते हैं। हर चीज काम का अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग खर्चा लगता है, तो वो खर्चा से है हमारा घर भी चलता है और हमारा भी पेट भरता है, हमारे बच्चों का भी हम पेट भरते हैं। ऐसे फ्री के अंदर कोई काम नहीं करता है। ये सब कहने की बातें हैं कि वो पैसे नहीं लेता है, वो फ्री में करता है। अगर वो फ्री में करता है तो उसे रोटी कौन देगा। अगर भगवान भी किसी चीज़ का क्या है कि जरिया ही बनाता है, उससे ही क्या है कि इंसान पेट भरता है। ये नहीं कि सीधे अपने आप ही क्या है कि पेट भर लेता है, घर बैठे कोई नहीं देता है। चाहे अगर वो भिखारी है तो वो भीख का जरिया दिया है, अगर वो पंसारी है तो उसे सौदे का जरिया दिया है, बानिया है तो उसे दुकान का जरिया दिया है। हर इंसान को क्या है कि कौन कोई, जैसे आज मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे पूजा पाठ का क्या है कि जरिया दिया हुआ। और ब्राह्मण क्या है कि ये नहीं कि जात से ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण अपने कर्मों से बनता है। अगर जैसा क्या है कि अगर ब्राह्मण वाले उसमें कर्म होंगे, अगर ब्राह्मण वाले कर्म अगर वो इंसान कर रहा है तो ज़रूर उसे क्या है कि जरिया है वो ब्राह्मण वाला ही मिलेगा। और ब्राह्मण वाला ही क्या है कि सबसे ऊंचा जरिया है। इंसान क्या है कि कुछ नहीं है, करने वाला सब कुछ भगवान है। बाकी क्या है कि हर इंसान को क्या है कि जरिया बनाया हुआ है। तो आपको मैं बता रहा था, और इससे पहले अगर आपने मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर क्या है कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसी नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान का रास्ता पूछ सकते हैं और करवा भी सकते हैं। करवाने के मैं खर्चा लेता हूँ, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो आज की विधि के बारे में मैं बता रहा था, आज की विधि के बारे में आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड में नाम लिखना है। जैसे क्या है कि उसका नाम है राजू, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राजू। काले रंग के ही पेन से सिर्फ आपने लिखना है और दूसरे हाथ पे आपने
अपना नाम लिखना है चाहे जो मर्जी है। मैं एक उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ, पूनम, तो मैंने लिख दिया पूनम। इसके बाद में क्या करना है कि दोनों हाथों को आपने सिर्फ दोनों हाथों को इसी तरीके से मिलाना है, बिल्कुल उंगली सीधी, गुठा सीधा, सब कुछ। और भगवान सूरज को कह के नमस्कार करते हुए, भगवान सूरज को नमस्कार करते हुए मंत्र का उच्चारण करना है, सिद्धि करनी है। सिद्धि में आपको टाइम जितना मर्जी लगे वो नहीं बात है, जब तक सिद्धि नहीं होगी तब तक आपका रास्ता है वो नहीं निकलेगा। तो आपको मैं मंत्र बताने जा रहा था, मंत्र इस तरीके से है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर सही तरीके से आपने कर लिया यूज तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी सरल, नहीं तो नहीं कह सकता। जो भगवान चाहता है, जो करता है वो अच्छा ही करता है। बाकी भगवान कोई भी चीज़ का जरिया अपने ऊपर नहीं लेता है, किसी इंसान के ऊपर ही क्या है कि डालता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा था, तो मंत्र का उच्चारण इस तरीके से करना है, दोनों हाथों को मिला के, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से मिलना है। तो इसी के लिए पानी के अंदर बैठ के सिर्फ इतने ही हाथ ऊपर होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ना हो। ये जो नीचे से पानी है वो चलता हुआ पानी होना चाहिए और इसी तरीके से चलना चाहिए। तो आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ इस तरीके से, ओम भगवते महाकालाय महाकाल कृपाए, मम वस्य अमुक मम जाए जानी, तेरा आदेश है मेरा संदेश है, जाए मम वस्य। सिर्फ इतना ही शब्द आपने यूज करना है, और ये यूज जब मंत्र को सिद्धि हो जाए, सिद्धि होने के बाद में आपने सिर्फ 11 बार आपने बोलना है। 11 बार यूज करने के बाद में दोनों हाथों को इसी तरीके से पानी के अंदर, इसी तरीके से अंदर तक जाने चाहिए और दिखे ना आपको भी, और इसी तरीके से क्या है कि बिल्कुल साफ कर दो, कि जैसे क्या है कि 2 मिनट लगे चाहे 4 मिनट लगे, बिल्कुल आपको नज़र नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से आप क्या है कि मार्का को यूज करें या स्केच को यूज करें, ब्लैक रंग के या ऐसे पेन को यूज करें, जिससे क्या है कि वो निशान है आपके ऊपर हाथों पे, वो नाम ख़त्म हो जाए और आपके दिल में बस जाए और उनके दिल में बस जाए। इसी के साथ क्या है कि मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।